हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। ये देखिए मैम के बाल कितने ज्यादा ड्राई हैं, उनके ब्रेकेज भी बहुत सारे हैं, तो हम करने वाले हैं इन पे मॉइस्चर थेरेपी। ठीक है, इनके बाल बहुत ड्राई हैं तो हम इनमें डालने वाले हैं परमानेंट मॉइस्चर। ये ड्राई करके वॉश करके हम लेके आ गए हैं, वॉश करके हम लाएंगे और इस पर लगाएंगे मॉइस्चर थेरेपी का फर्स्ट स्टेप। ये आ गया हमारा मॉइस्चर थेरेपी का फर्स्ट स्टेप। ये लगेगा स्टेप टू स्टेप, डैप डैप करके, डैप डैप करके इसको लगाएंगे और लगाते ही इसके अंदर प्रेसिंग कर देंगे 10 मिनट के बाद, क्योंकि जितना मॉइस्चर जाना वो चला जाएगा। उसके बाद इसके अंदर सेकंड स्टेप लगा देंगे और इसको हम लॉक कर देंगे यहीं की यहीं मॉइस्चर को, जिससे कि ये वाले हेयर जिसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, जो बहुत फ्रिजी बहुत हल्के फुल्के से बाल हो रखे थे क्लाइंट के जो है, फिर वो उसके अंदर वेट आ जाएगा, क्वालिटीज़ आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा और फिर वो थोड़े हेल्दी दिखेंगे और थोड़े ज़्यादा भी दिखेंगे। बट आप ये नहीं मॉइस्चर थेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, केराटिन बोटॉक्स स्मूथनिंग वगैरह, उसके बाद कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ले लो, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट ले लो, उसके बाद ना आपको एक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जिसको कहते हैं हम मैनेज करना, या उसको हैंड टू हैंड उसको हर बार हर महीने उसको स्टेबल रखना। ठीक है, मैनेज करना, मेंटेनेंस करना, केयर करना, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो वो मैटर रखता है, सबसे ज़्यादा मैटर वही रखता है। अगर आप जिम भी चले जाते हो, जिम जाके बहुत अच्छी बॉडी बना लोगे ना आप, उसके बाद जिम छोड़ दोगे तो वो बॉडी बनी रहेगी क्या? नहीं। कितनी अच्छी बॉडी बनाने के लिए बाद उसके बाद मेंटेन करना, उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही कितने भी अच्छे आप बाल या फिर अपने कितने भी अच्छा फेशियल करा लो, उसके बाद उसको मेंटेन करना पर मंथ जो भी उसकी मेंटेनेंस है उसके अंदर जाना। अब बालों के ऊपर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाओ, उसके बाद उसको मेंटेन करना। मेंटेन कैसे हो सकता है? आपकी वो शाइनर की या प्लैक्स की या स्पा की जाके बैक टू बैक अपना ट्रीटमेंट लेते रहिए, मेंटेन करते रहिए। एक बार तो आपका ट्रीटमेंट में ज़्यादा खर्चा आता है, बट उसके बाद उसको स्पा भी ले सकते हो आप, कोई इशूज़ नहीं है। अपनी हेयर कंडीशन के हिसाब से आपका जो स्टाइलिश आपको बेस्ट बताएगा। अब आपने देखा फर्स्ट स्टेप के बाद हमने इस पर प्रेसिंग कर दी, अब हैंड टू हैंड इसी प्रेसिंग के ऊपर आप देखेंगे हम इस पर सेकंड स्टेप लगा देंगे और ये लॉक हो जाएगा यहीं की यहीं। ये आ गया हमारा सेकंड स्टेप, ये देखिए दूर से दिखाया, आप करते हैं इस पे। ओ खा गया था, बहुत टेस्टी था, मैंने बोला ना मॉइस्चर थेरेपी है। ओके रिपोर्ट है, ये पहला स्टेप लग गया था हमारा, हमने कैमरा देर से स्टार्ट किया तो हम सेकंड स्टेप से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए राइट, डन 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 डना डन 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 डन, ये देखिए हो गया। ऐसे ही करते करते अब सेकंड स्टेप के बाद हम हैंड टू हैंड वॉश करेंगे और आपको देंगे फाइनल रिजल्ट। लेकिन उसके बाद भी आपकी प्रिकॉशंस रहती है, थोड़े एक दो दिन तक आपको थोड़े अगर स्ट्रेट चाहिए तो आपको स्ट्रेट रखने पड़ते हैं, ऐसे एक तरीके से स्मूथनिंग वाला जो उसके बाद का पोस्ट केयर होता है। क्योंकि जब मॉइस्चर आता है ना, मॉइस्चर बालों को इतना मॉइस्चर इतना हेल्दी बना देता है, इतना वेट डाल देता है इसके अंदर, जिसकी वजह से आपके बाल उस वेट आने की वजह से बाल हाथ के खींच के लंबे दिखते हैं और सीधे दिखते हैं। जैसे आपका हाथ टेढ़ा मेढ़ा होता है और जब हाथ के अंदर आप पानी की बाल्टी उठाओगे तो उस वेट की वजह से वो आपका हाथ ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाता है। ऐसे ही जब हेयर के अंदर मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वेट, पानी जैसा वेट आएगा तो बाल सीधे होंगे। और वो आप सीधे रखोगे, एक दो दिन तक केयर करोगे तो वो परमानेंट टाइप से भी सीधे हो जाते हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर डल रहा है आपके हेयर्स में ये एज ए परमानेंट है। बट परमानेंट अगेन मैं बोल रहा हूँ, उसकी आपको केयर करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट? केयर तो कंपलसरी है किसी भी ट्रीटमेंट में। फेशियल तक कराओगे, फेशियल के बाद ये नहीं, मैंने तो फेशियल करा दिया अब तो मेरा फेस बहुत अच्छा दिखेगा, पूरे दिन जाके धूप में खड़ा रहूँगा, धूल मिट्टी में रहूँगा, तब भी मैंने फेशियल करवा रखा है, फेशियल तो अच्छा रहेगा मेरा। ऐसा कहीं नहीं होता भाई, उसको ध्यान से उसको केयर से रखना पड़ता है जब जाके वो लॉन्ग लास्टिंग होती है चीज़ें। ठीक है, डन। ये देखिए अब ये हमारा हो गया पूरा। यो वाओ यार, ड्रायर करते क्या बाल खिल के आया है। ठीक है, मैम की स्माइल देखते हैं, स्माइल से ही पता चल जाएगा कैसे लग रहे हैं हेयर का। ओके, उस टाइम आवाज़ बहुत होती है सलून में तो हम रिकॉर्डिंग नहीं करवाते। ओके, ये देखिए ना अच्छी वाली स्माइल। ओके, थैंक यू गाइज, पी स्क्वायर सलून।